भारत में आईएस आईएस के प्रति झुकाव रखने वालों पर पैनी नजर। ऐसे लोग खुफिया एजेंसियों की रडार पर हैं। यही नहीं, बाकायदा ऐसे लोगों की सूची भी तैयार की गई है। जी हाँ, पेरिस हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के प्रति झुकाव रखने को लेकर देश में करीब 150 युवकों को सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी निगरानी के दायरे में रखा है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक 150 लोगों की आईएसआईएस की ओर आकर्षित होने और इस संगठन की गतिविधियों से सहानुभूत रखने वालों की बात कही जा रही है। इसमें ज्यादातर लोग दक्षिण भारत से हैं। एक अधिकारी के मुताबिक जिन लोगों को सूची में रखा गया है उनमें ज्यादातर लोग आईएसआईएस सदस्यों से नियमित रूप से ऑनलाइन संपर्क में हैं, इसलिए सुरक्षा बलों ने उनको निगरानी के तहत रखा है। आतंकवादी संगठनों से लड़ने के लिए अब तक कुल 23 भारतीय इराक सीरिया में आईएसआईएस के कब्जे वाले इलाकों में गए हैं। उनमें से 6 मारे गए हैं जबकि एक शख्स मुंबई वापस लौट आया है। आईएसआईएस ने जिन 30 अन्य भारतीयों को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया है उन्हें भी मध्य पूर्व के संघर्ष वाले क्षेत्रों में जाने से रोक दिया गया है। आईएसआईएस से फिलहाल लड़ने वालों में मुंबई के बाहरी इलाके कल्याण से 2 युवक, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक कश्मीरी, तेलंगाना से एक लड़का, एक कर्नाटका से, एक ओमान आधारित भारतीय और एक सिंगापुर आधारित भारतीय शामिल है। आईएसआईएस की ओर से लड़ने के दौरान मारे गए 6 भारतीयों में सुल्तान अजमेर शाह और बादा साजिद सहित इंडियन मुजाहिदीन के 3 आतंकवादी शामिल हैं। पाकिस्तान में रहने के दौरान ये लोग आईएसआईएस में शामिल हुए थे। 2 लोग महाराष्ट्र से हैं जबकि एक तेलंगाना से है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी सितंबर में 37 साल की एक महिला अफशा जबीन उर्फ निकी जोसेफ को वापस स्वदेश भेजा था, जो आईएसआईएस के लिए युवकों की भर्तियों में शामिल थी। जनवरी में हैदराबाद के सलमान मोहिद्दीन को हैदराबाद हवाई अड्डे से उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वह सीरिया जाने के लिए दुबई जाने वाली फ्लाइट में सवार होना चाहता था।